What's up guys, मैं हूं प्रकाश और टेक मॉनिटर्स के जुड़े में आपका स्वागत है। दोस्तों Amazon से मैंने एक बैक कवर मंगाया Redmi Note 5 Pro के लिए, तो आज मैं इसका करूंगा अनबॉक्सिंग और चेक करेंगे कि इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और यहां पे सारे कटआउट्स कैसे दिए गए और क्या ये Redmi Note 5 Pro का जो कैमरा बम्प है उसे प्रोटेक्ट करता है, और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और आगे चल के अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों पैकिंग कवर इसका कुछ ऐसा दिखता है, तो ये जो ब्रांड है ये कैपेवर ब्रांड से है, और यहाँ पे इन्होंने पीछे इसकी MRP लिखी है 1099, लेकिन 600 रुपीज़ में मैंने इसे खरीदा है। और पैकिंग आप देख सकते हैं इसकी कैसी है, काफ़ी बेसिक सा पैकिंग यहाँ पे आपको मिलता है। तो कवर से मैं इसे फ़िलहाल निकाल लेता हूँ। तो कवर से निकालने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है इसका डिज़ाइन, और डिज़ाइन इसका सिंपली ऑसम है मैं बोल सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा यहाँ पे इन्होंने कट्स दिया हुआ है ताकि इसको अच्छा एक प्रीमियम फील करें ये कवर। और ये बिल प्लास्टिक का बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, एक्चुअली ये रबर का है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल है और हाथ में पकड़ने के लिए भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ऐसा स्लिपरी भी नहीं है और अच्छा ग्रिप भी दे रहा है। और डिज़ाइन तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे कैसा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ कुछ फाइबर यहाँ पे डिज़ाइन इन्होंने दिया है, और कटआउट भी यहाँ पे सारे इन्होंने प्रॉपरली दिया है पीछे की तरफ, वो कैमरा का और इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर का, और साइड में भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो सब कुछ बिल्कुल प्लेन है। तो राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर और ऑन एंड ऑफ बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, और नीचे के तरफ भी यहाँ पे आपको 3.5 mm हेडफोन जैक और इसका प्राइमरी माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट, और प्लस यहाँ पे स्पीकर का कटआउट भी ठीक से दिया हुआ है, और ऊपर के तरफ IR ब्लास्टर और इसका सेकेंडरी माइक। तो डिज़ाइन आपको मैं एक बार ठीक से यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन आपको कैसा मिलता है। और अगर अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा इन्होंने अंदर डिज़ाइन दिया हुआ काफ़ी अच्छा, और यहाँ पे इन्होंने इसकी ब्रांडिंग भी लिखी गई है डिज़ाइन बाय कैपेवर। तो ओवरऑल दिखने में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ये प्रीमियम दिख रहा है कवर। तो मैं इसे एक बार फ़ोन को पहना देता हूँ और दिखा देता हूँ आपको कैसा दिख रहा है। तो काफ़ी आराम से ये फिट हो चुका है, फिट होने का कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप साइड से यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो फ़ोन अगर ऐसा गिरता भी है तो स्क्रीन नीचे टच होगा नहीं, तो ये स्क्रीन को थोड़ा बहुत ज़रूर प्रोटेक्शन यहाँ पे ये करने वाला है। और पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो कटआउट है वो कैसा आपको दिखता है, तो काफ़ी अंदर जा चुका है फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो लेकिन आप एक्सेस बहुत ही आराम से यहाँ पे कर पाओगे। और कैमरा बम्प को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा बम्प ये भी काफ़ी अंदर जा चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि अगर आप फ़ोन को इस तरह रखोगे तो इसका जो लेंस है वो नीचे टच करेगा। तो अगर आपको ऐसा कवर चाहिए जो Redmi Note 5 Pro के इस लेंस को कवर करे, तो डेफिनेटली आप इस कवर को ट्राई कर सकते हो। और राइट साइड में जैसे मैंने आपको बताया इसके जो ऑन एंड ऑफ बटन है और वॉल्यूम रॉकर, तो ये काफ़ी टैक्टाइल यहाँ पे फील दे रहे हैं, तो इधर मुझे ज़्यादा कुछ प्रेशर लगाने नहीं पड़ रहा और काफ़ी आराम से ये काम कर रहे हैं। और बाकी कटआउट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे फिर आपको देख सकते हैं IR ब्लास्टर और इसका जो जैसे कि मैंने पहले बताया इसका सेकेंडरी माइक्रोफोन, और नीचे के तरफ आप देख सकते हो स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB पोर्ट और 3.5 mm हेडफोन जैक का कटआउट कुछ ऐसा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे हेडफोन जैक और माइक्रो USB पोर्ट लगा के एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये आराम से लग जाता है या फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है। तो आप इस हेडफोन जैक को देख सकते हैं, ये बहुत ही आराम से लग गया, किसी भी तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं अगर मैं बात करूँ माइक्रो USB पोर्ट की तो उसे भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, और बात करें माइक्रो USB पोर्ट की तो उसे भी हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये फिट हो गया है, तो इधर पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो सारे केबल्स यहाँ पे ठीक से लग रहे हैं, तो मैं इसे एक बार निकाल देता हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है, तो मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा है। 600 रुपीज़ मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर प्राइस है, अगर इसकी प्राइस 350 अगर होती तो थोड़ा ठीक रहता, लेकिन 600 डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है। लेकिन अगर आपको इसके लेंस को अगर प्रोटेक्ट करने के लिए कवर चाहिए तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी को लेकर आपको किसी भी तरह कंप्लेन नहीं होगा। दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चाहे तो जाके इसे खरीद सकते हैं। और ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। तो आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो उसे कमेंट करिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।